मित्रों, आज मैं सफेद गुंजा के विषय में पहचान और औषधीय और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। ये देख लें, ये है गुंजा का पौधा है। गुंजा का पौधा बेल नुमा होता है, ये क्रीपर है, किसी की सहायता लेकर चढ़ता है। और गुंजा तीन प्रकार की होती है, काली, सफेद और लाल। लाल तो बहुत मिलती है, लेकिन काली और सफेद बहुत दुर्लभ होती है। तो ये पौधा मैंने रवि पुष्प में लगाया था पिछली बार, और ये 10 पौधे हैं मेरे पास। इसको गुंजा, चिरमिटी, चौंटली, रत्ती और घुंघची, ये हिंदी नाम है, और इंग्लिश नाम है इसका रोजरी पी, और बॉटेनिकल नाम है इसका एब्रस प्रिकेटोरियस। एब्रस प्रिकेटोरियस बॉटेनिकल नाम से आप अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में इसका नाम जान सकते हैं। अधिकतर ये श्वेत गुंजा, सफेद गुंजा औषधीय प्रयोगों में काम आती है, और तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। तो ये पहचान लें मित्रों, ये इस तरह इसके पत्ते होते हैं, इमली के पत्ते की तरह, और ये क्रीपर है, एक दूसरे में चढ़कर चलती है। ये देख लें, इसका पत्ता अगर टेस्ट करेंगे तो मीठा लगेगा। आपने देखा होगा पान के दुकान पे जो मीठी पत्ती पान में डालते हैं, वो इसी की पत्ती होती है। और इसकी जो ये टहनी है, ये जो ब्रांचेस है, इसको अधिकतर मुलेठी की लकड़ी में मिलाकर भी लोग बेच देते हैं, क्योंकि इसके गुड़ और मुलेठी के गुड़ एक से होते हैं। मित्रों, इसको घर में इसलिए नहीं लगाते हैं कि बच्चे इसके बीज को कान में और नाक में ना घुसेड़ लें, और चूंकि इसका बीज बेसैला होता है, इसलिए भी इसको घर में नहीं लगाते। तो ये तो मैंने आपको इसके पौधे की पहचान बताई, अब सुने इसके गुंजा के औषधीय प्रयोग। गुंजा की जड़ को पानी के साथ घिसकर नस देने से मस्तक सूल, आधा सीसी का दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, रतौंधी इत्यादि विकार नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, स्वर भंग हो जाने पर गला बैठ जाना और गले से आवाज साफ न निकलती हो तो सफेद गुंजा की तीन पत्तियां, ये देखो, एक पत्ती, दो पत्ती और तीन पत्ती, ये तीन पत्तियों को रोजाना कुछ एक दिन खाने से स्वर भंग ठीक हो जाता है। इसी तरह से बवासीर के रोग में भी तीन ये पत्ती, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, सुबह खाली पेट चबा चबा खाने से और डेढ़ घंटे तक कुछ ना खाएं तो 40 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। वात रोगों में और साइटिका में, जहां पर वात रोग का प्रकोप हुआ है, वहां से उस्त्रे से बालों को निकालकर गुंजा को पानी में घिसकर लगाने से फायदा होता है। मित्रों, शीघ्र पतन के रोग में गुंजा की जड़ 5 ग्राम लेकर 250 ml दूध में औटा कर और मिश्री मिलाकर 60 दिन पीने से बहुत लाभ होता है। लाल गुंजा के पत्तों का रस 1 ग्राम और जीरा का चूर्ण 2 ग्राम और 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सभी का मिश्रण इकट्ठा करके नित्य सुबह और शाम को केवल 7 दिन लेने से कैसा भी उपदंश हो अवश्य ठीक हो जाता है। गंजापन में और चाई रोग में गुंजा की जड़, भिलावा का रस, पत्तियों का रस मतलब, कटहरी के जड़ संभाग मिलाकर और पीस कर शहद में मिलाकर लगाने से दुस्साध्य खालित्य गंजापन भी नष्ट हो जाता है। गलगंड, घेंगा, गलसुआ और
जिसको कि गोइटर बोलते हैं, गंडमाला। मैं इसके तेल का उपयोग करने से बहुत जल्दी फायदा हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन और कब्ज होने पर इसकी कुछ एक पत्तियां रोजाना चबा चबा कर खाने से कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। और अगर किसी को आंतों का अल्सर होता है तो भी ये पत्तियां कुछ एक खाई जाए रोजाना तो बहुत जल्दी फायदा होता है। मित्रों, अगर गला खराब हो जाए तो पान की दुकान पे एक पान में ये मीठी पत्तियां और गुलकंद और सौंफ इत्यादि रख के पान को चबाने से गले के रोग ठीक हो जाते हैं। मित्रों, गुंजा के किसी नुस्खे का प्रयोग करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लेना अनिवार्य है। गुंजा को अधिक मात्रा में अगर कोई सेवन कर ले तो बेचैनी बढ़ जाती है, तो चौलाई का रस 2-3 चम्मच पिलाने से उसका ये विष निकल जाता है। उसमें थोड़ा मिश्री और मिला लें। मित्रों, यह है सफेद गुंजा का पौधा और ये अच्छी तरह देख लें। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।